बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है छोलों की चाट, जो बहुत चटपटी और मज़ेदार बनेगी। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बॉयल्ड चने 4 कप लिए हैं और इनके साथ जो थोड़ा सा पानी है वो भी मैंने इसका यहाँ पर लिया है। 300 ml दही के अंदर मैंने 125 ml पानी और 1 tablespoon पाउडर्ड शुगर को विस्क करके फेंट के रख लिया है। 1 medium साइज टमाटर है जिसको मैंने बारीक फाइनली चॉप इस तरह से कर लिया है। 1 medium साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। 2 medium साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। मसालों में 1 tablespoon दही बड़ा मसाला, 1 tablespoon चाट मसाला, ये दोनों होममेड हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 teaspoon काला नमक और 1/4 teaspoon नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों मसालों में भी नमक ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर मैंने 1 tablespoon आमचूर पाउडर को 80 ml पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। इसको भी हम चाट में ऐड करेंगे और तकरीबन 2 tablespoon के करीब हम यहाँ पर हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। तो मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर चनों को डाल दिया है। आलू डालेंगे हम, प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग में हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह मैं हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे, थोड़े से टमाटर, मसाले और जो ये हमने आमचूर और पानी का एक मिक्सचर बनाया था, इसको एक दफ़ा चलाने के बाद इसमें हम इसको ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो चनों की चाट के लिए हम एक चटनी भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए 1 गड्डी हमें हरे धनिए की और 1/4 गड्डी जो है वो पुदीने की। मैंने इनको वॉश करके रख लिया है और इसके अंदर 2 tablespoon लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 3 से 4 जवे लहसुन के लिए जिनको मैंने हाफ़ कर लिया है। एक या डेढ़ इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने 2 teaspoon ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है। 1/2 teaspoon नमक, नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अगर कम लगा तो, या ज़्यादा हो आप अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ये बूंदी, जो हम बूंदी का रायता जिससे बनाते हैं, उसको मैंने इस्तेमाल किया है। 2 से 3 tablespoon पानी के अंदर मैंने इसको 10 से 15 मिनट भिगो के रख दिया था। और 1 tablespoon जो भुने चने हैं, इससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये बूंदी नहीं हो तो आप यहाँ पर वो दाल सेव जो होते हैं आप वो भी सेम अमाउंट में, यानी 4 tablespoon वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको अब हम ग्राइंड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। तो मैंने चनों को जो मिक्स किया था उसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हरी चटनी भी हमारी तैयार है, देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इमली की चटनी, ये भी होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पापड़ी हम इसमें डालेंगे, पापड़ी भी होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी थोड़ी सी, साथ ही हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। इसमें हम ये जो दही है इसको ऊपर से इस तरह से हमें पोर करना है, मिक्स नहीं करना है, ये खुद ही नीचे तक चला जाएगा। बहुत मज़े की चाट बनती है, बहुत चटपटी बनती है। इसे आप पहले से बना के भी रख सकते हैं और इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, टमेटोस जो हमने थोड़े से बचा लिए थे उन्हें ऐड करेंगे। प्याज, आलू, फिर इसके ऊपर हम ये पापड़ी है इसको ऐड करेंगे। होममेड पापड़ी है ये। इसे ग्रीन चटनी ऊपर और ऐड करेंगे फॉर लेयरिंग। जी तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है, चटपटी चने की चाट, और इसको आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।